Suppose ये लिखे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लें आपके पास एक स्प्रिंग है और ये मास स्प्रिंग है तो बताइए इसका omega क्या होगा? ठीक है। सपोज करो ये टू एंड थ्रो आगे मूव कर रहा था तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी एक्सट्रीम और ये कौन सी पोजीशन थी इसकी मीन तो ये इसकी पोजीशन है और ये इसकी यहाँ सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है हुआ क्या कि जैसी ये मास कैपिटल ये मास यहां पे आया और मेन पोजीशन आपने इसके ऊपर जेंटली बड़े प्यार से इसके ऊपर एक और मास रख दिया एमडैश आपने जब ये मेन पोजीशन पे चल रहा था ये जैसी टू एंड फोर आ रहा था जैसी मेन पोजीशन पे आया उसी टाइम जेंटली आपने एमडैश को रख दिया और फ्रिक्शन सफिशेंट थी अब ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो नया ओमेगा क्या होगा तो ठीक है नया ओमेगा होगा ओमेगा डैश बोलो अंडर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम डैश को डाउट सही ठीक है तक क्वेश्चन ये नहीं है क्वेश्चन ये है कि जब ये अकेला मूव कर रहा था तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए थी और अब इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए डैश है ए डैश बोलो क्या है बस मुझे यह बता दो कि पहला स्टेप क्या है उसके बाद मैं कर दूंगा क्या शुरू करूं क्या पहली लाइन में क्या फॉर्मूला स्टार्ट कहां से करना है बस एंगुलर तो है ही नहीं इसमें क्योंकि रोटेशनल नहीं है मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा टाइम पीरियड से वो ठीक बोल रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन जब वर्ड जेंटली बोल दिया

तो यहां से एम इंटू ए इंटू उमेगा का मतलब क्या है अंडर रूट ऑफ के वाई एम एम प्लस एम डैश इंटू ए डैश इंटू ओमेगा डैश का मतलब क्या है अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम निकाल लेना ऑब्जेक्टिव आंसर आ जाएगा ए डैश निकाल लेना आंसर है